लगातार सरकार पर हमलावर है और वहीं बीजेपी सरकार इसे सराहनीय कदम बता रही है। सीएम धामी ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया, जबकि विरोधी इसे संदेश भरी नजरों से देख रहे हैं। संदेह भरी नजरों से यहां पर विपक्ष की ओर से इसे देखा जा रहा है। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। सीएए को लेकर बीजेपी ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए देश भर में लागू हो गया है, जिसके तहत तीन देशों के शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। उत्तराखंड बीजेपी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। आजाद भारत के इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सीए का कानून लाया गया, ये अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। निश्चित रूप से जिसके लंबे समय से लोगों को प्रतीक्षा थी, जो बांग्लादेश के अंदर पीड़ित थे, पाकिस्तान में पीड़ित थे, अफगानिस्तान में पीड़ित थे, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, सभी को इस कानून के लागू होने के बाद देश के अंदर नागरिकता मिल जाएगी, उनका जीवन आसान हो जाएगा, उनको कानूनी मान्यता मिल जाएगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। सीएए के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से विपक्ष में खलबली मची हुई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बहारा का कहना है कि चुनाव से पहले सीएए लाना संदेह पैदा कर रहा है। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की गई है। मेरा तो ये मानना है कि समय को देख के थोड़ा सा मुझे इसमें आपत्ति है और मुझे लगता है कि बीजेपी ने चुनावी सबूत के रूप में इसको यूज किया है, क्योंकि जो काम 10 वर्षों में नहीं किया, ठीक चुनाव से 2 दिन, आचार संहिता से 2 दिन पहले क्यों? ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है ये डराने के लिए काम में लाया जाएगा और इसका उपयोग मुझे लगता है कि माहौल बीजेपी अपने चुनावी माहौल बनाने के लिए और लोगों में एक डर पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल करेगी।